देखो अच्छे से, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, तभी होगा नहीं तो नहीं होगा। मजा कर रहा था। अभी तक हम दो दो वाले कर रहे थे, अब ये तीसरे वाला आ गया। कैसे करना है? घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है, तसल्ली से। पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया करो। आप लोग ना लग जाते हो गधे की तरह, पेन कॉपी उठा के क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, ऑब्जर्व तो करना ही नहीं है, लग गए बस। सर क्वेश्चन दिया, बचपन से आता था क्वेश्चन, तो गड़गड़ गड़गड़ लग गए सोल्व कर लिया, कल सोल्व करके खुश हो जाते हो। यहाँ देखो x माइनस थ्री और 2x प्लस 3, यहाँ पे भी यही है। तो किसी तरीके से नीचे अगर ये आ जाएगा तो इसके नीचे भी यही आ जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और यहाँ पे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों सेम और डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो ऊपर वाले को एचडी ऐड कर देते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो नहीं समझ में आया, यहाँ देखो अगर 3 प्लस 4 है +5/4 है तो इसको हम ऐसे ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 5/4। आया समझ में? वही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है, देखो तो ध्यान से। लेकिन नीचे सेम इसके जैसा यहाँ तभी बनेगा जब इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो इन दोनों में एलसीएम ले लो, उसको एचडीज रखो, तो क्या हो जाएगा 2x एक ब्रैकेट में और ये जाएगा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3/O। बीच में क्या है? प्लस, हम लाल मार्कर से बना देते हैं, बीच में है प्लस, ठीक है। और इधर क्या है, ध्यान से देखो, 1 ऐसे ही रहा और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो x-3/O में पूरे के एलसीएम क्या होगा, x-3/2x+3। अब देखो ध्यान से, लॉजिक समझ में आया ना मैंने ऐसे क्यों किया। और इसको एचडीजी रख लेते हैं, देखो इसको छेड़ते नहीं है तो इसको एचडीजी लिख लेते हैं बड़ा से, बस प्लस के साइन के साथ। क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के 3x+9 और अपॉन में पूरे भी क्या आ रहा है, x-3 एक साथ, और इधर क्या आ रहा है 2x+3। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों के नीचे बराबर आ गया। अब बराबर आ गया, ऊपर वाले को सोल्व करना है, जो आंसर आएगा उसके बाद सिर्फ सीधा प्लस कर देंगे। जैसे अभी क्या बताया था 3 प्लस 4/+5/4 सोल्व करता था, वैसे ही वही कंसेप्ट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, तो क्या आ जाएगा 2 2 या 4 2 2 या 4 4x2। अब इस 2x की इससे करो प्लस का 6x, ठीक है, कोई दिक्कत? और तो कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, प्लस ये एज इट इज रहा, x-3 अपॉन में पूरे में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो x-3 और इधर से क्या आएगा 2x+3 एक ब्रैकेट में, प्लस ऐसे ही रहा, ये ऐसे लिख लो 3x+9, टेम्पू आ रहा था थोड़ा वो करना, तो x-3 और इधर से क्या आएगा 2x+3। आइए समझ, देखो ध्यान से, 4x ऐसे ही रहा तो 4x² ऐसे ही रहा, ये दोनों मिलके देखो कितना जाएंगे, ये दोनों मिलके कितना जाएंगे 6 और 1 7, तो क्या लिख लूंगा मैं प्लस का 7x माइनस का 3 अपॉन में x-3 और इधर से क्या आ रहा है 2x+3 एक ब्रैकेट में। अब देखो प्लस में क्या आ रहा है 3x+9 और पूरे के अपॉन में x-3 इधर से क्या आ रहा है 2x+3। आई बात समझ? अब देखो जल्दी से तुरंत एकदम ये मिटा दो, मिटा देता हूँ तुरंत। अब मेरे पास यार वो सिस्टम तो है नहीं कि जिसमें तुरंत एकदम फॉरवर्ड कर दो और आगे बढ़ जाता है, मेरे पास तो हाथ से ही है, तो हाथ से ही करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या बचा देखो ध्यान से, 4x² + 7x-3। अब देखो ये इसके साथ प्लस में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, देखो दोनों के नीचे सेम है ना, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 3x+9 अपॉन में पूरे के नीचे में। अब एक ही बार इनको लिखना है, क्या लिखेंगे x-3 और इधर से क्या आ जाएगा 2x+3, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आराम से समझ में आ गया होगा, इतने समझदार हो गए हो आप मेरे साथ। नहीं भी होंगे तो लेक्चर देखते देखते हो जाओगे, टेंशन मत लो, सर समझदार करवा देंगे तुम्हें, ठीक है। यहां देखो ध्यान से देखो, ये और ये मिलके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा ये 4x², बगल में भी कुछ था यार, बगल में क्या था, बगल में था हमारे जीरो, तो इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा 4x² + 10x और यहां देखो कितना होगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये कहां जाएगा, ये पूरा जीरो में भी चला जाएगा, समझ में आ गया, तो ये बन गया हमारा। अब देखो ध्यान से, अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर, ax² + bx + c = 0। a की जगह कितना आ रहा है, a की जगह 4 आ रहा है, b की जगह कितना आ रहा है, b की जगह 10 आ रहा है, और c की जगह कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो a मल्टीप्लाई सी करो तो कितना आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 24।
24 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके, वैसे तो सामने ही दिख रहे हैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 6 और 4 10 होते हैं। तो ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? देखो फैक्टर मिल गए, दोनों को ऐड करो 10 आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करो 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है सर, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 1। अब मैंने बताया था यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, प्लस का 6 ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो इसको लिख लो प्लस 6 और अगले ब्रैकेट में एच डी जिसको छाप दो एक्स प्लस 1। आई बात समझ में? तो यहां से देखो फैक्टर क्या मिल गए, 4x प्लस 6 और दूसरे में क्या मिला, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 यहां से। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 और इधर से क्या आएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू माइनस 6, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 4 जो कि करके कितना आएगा, इज इक्वल टू माइनस का 3/2। और यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। आई बात समझ में? ये देखो ये आंसर है, दोनों आसान है, थोड़ा झुकने की कोशिश करना, जब तुम्हारे सर झुक के कर रहे हैं तो तुम भी झुक के कर लेना, नोट डाउन करो अच्छे से। आया समझ में? अच्छे से नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में देख लूँ, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है, तो नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से करना। ये भी एक ही टाइप का, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा दूसरा क्वेश्चन नहीं है, पिछले 10 साल में एक ही बार पूछा गया है। तो ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, आप ही के लिए करवा रहा हूँ, ताकि आप ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आओ। जब तक पूरे कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे मार्क्स नहीं आएंगे, टॉप नहीं कर पाओगे, याद रखना इस मेरी बात को, हमेशा टॉपर से पीछे रहोगे, ये चैलेंज है। और जैसे ही टॉपर के जैसे तुम करने लग जाओगे, जैसे टॉपर सारे क्वेश्चन करते हैं तुम भी करने लग जाओगे, तुम उनको कंपटीशन देने लग जाओगे। लेकिन जब तुम सब टाइप के क्वेश्चन उनसे उनके जैसे क्वेश्चन करते ही नहीं हो तो टॉपर कहाँ बनोगे, सीधी सी बात है यार। तो सारे कंसेप्ट सीखो, तुम भी टॉपर बन जाओगे, भरोसा रखो सर के साथ। और मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं डालता, रेगुलर डालता हूँ, चैनल को देखते रहा करो, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से।